अल्लाह ताला जब किसी फर्द की आई पोशी करना चाहता है तो उसे मायूब लोगों के आई पर भी बात ना करने की तौफीक बख्श देता है। खिलम की तलवार लोहे की तलवार से ज्यादा असर रखती है, बल्कि फतह हासिल करने में हिलम सैकड़ों लश्कर से ज्यादा मुअसर है। कितने ही मुत्तकी हो जाओ मगर नफ्स से कभी बेफिक्र ना होना। रात को सो जाने के बाद कैदी कई थाने की तकलीफ से और बादशाह अपनी सल्तनत और दौलत के एहसास से बेहबर हो जाते हैं। अल्लाह वालों की बातें सकून कलब अता करती है और अहले ज़हर की बातें दिल में इंतशार और बदमिनानी पैदा करती है। ए लोगो, बहुत से शैतान हसलत सूफियों की शक्ल में मौजूद है, उस लिए भी आदमी हरगिज जल्दी ना करो। जो अक्ल सलीम रखता है वो हलवत इख्तियार करता है, क्योंकि तन्हाई में कलब की सफाई होती है। नेक लोग चले गए और उनके अच्छा माल बाकी रह गए, और कमीने लोग भी चले गए और उनके जुल्म वलानत बाकी रह गए। ख्वाहिश के साम को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। हिरस तुझको अंधा करके महरूम करती है और इबलीस तुझे हिरस में मुब्तिला करके अपनी तरह मर्दूद करता है। जिस शख्स का मिजाज फासिद और तबीयत बीमार होती है वो किसी की तंदुरुस्ती पसंद नहीं करता। इस दुनिया में कोई हजाना सन के बगैर, कोई पुल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। कभी कभी आंसू अल्लाह ताला के नजदीक शहीद के खून का दर्जा पा लेते हैं। टूटे हुए दिल से निकलने वाली फरियाद 7 साल इबादत से ज्यादा असर रखती है। नफ्स को दुनिया वालों की तारीफ और खुशामद बेहतरीन लुकमा मालूम होता है, ऐसे लुकमा को मत खाओ कि ये आग से पुर है। जाहिरी अमल एक ही किस्म के होते हैं, लेकिन अमल करने वालों की फितरत के तफावुत से नतीज अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे वीरानी से कभी नहीं घबराना चाहिए जो किसी अजीम तमीरी काम के लिए मुकदम आगाज हो। जहां भी पानी देखो वह सब्ज होगा, उसी तरह जहां आंसू होते हैं वही रहमत होती है। हर शर और आयब भी अपनी पैदाइश के लिहाज से हिकमत का हामिल है। कुर्बे खुदावंदी का हसूल बका में मुजम्मर है, लेकिन बका से पहले होना जरूरी है। जुदाई के एक लम्हा भी आशिक के नजदीक 1 साल के बराबर है। जिंदगी को हमेशा अमानत समझो, क्योंकि यह अनकरीब छली जाएगी। बुरा वो शख्स होता है जो बेअदब हो, क्योंकि अदब में नेकिया ही नेकिया है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को। सच्ची बात सुनने पर हर शख्स कादिर नहीं है, हर परिंदा की खुराक अंजीर नहीं है।